नमस्ते। तो देहात के एरिया में इस समय ठंड बहुत है और ठंड में किसान को अपने खेत की सिंचाई भी करनी है। ये देखिए, अब बिना सिंचाई के तो फसल होगी नहीं और लाइट के कुछ पता है नहीं, लाइट दिन में रहेगी रात में रहेगी, कब आएगी कब जाएगी। और किसान को ठंड से बचना भी है और ठंड से बचने के लिए किसान ने छप्पर बना लिया है। और छप्पर बनाने के लिए यहाँ प्रयोग किया गया बांस और सरपत, ऊपर से डाल दी गई है सीमेंट की चद्दर, फर्स्ट क्लास। रात में होगी सिंचाई चाहे दिन में हो सिंचाई, और किसान आराम से नीचे घुस के करेगा आराम, और यहाँ तापेगा आग और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर जो है घुस के आराम से सोएगा भी, और नीचे एक ट्यूबवेल है किसान का, वाह। तो इस तरह से जो है सामने खेत है, अभी सबकी सिंचाई यहीं से होनी है। तो इस तरह से जो है पहले छप्पर सड़क के किनारे बनी होती थी, देखिए ये पहले इसको टाटे बोलते थे, अभी भी टाटिया बोलते हैं, ऐसा नहीं नाम बदल गया है, लेकिन ये दीवार के लिए प्रयोग किया गया है ताकि दीवार का काम करे, हवा को रोके। और कितना फर्स्ट क्लास बनाया गया है, और सरपत है, कास है, सब कुछ इसमें मिला के तो बनावा गया है। ये फट्ठा है बांस का, अब बांधने के लिए थोड़ा कपड़ा यहाँ पर लगाया गया, पहले रस्सी उस्सी लगाते थे, अब रस्सी हालांकि सुतली का उतना मिल नहीं पाती, तो कुछ लोग तार लगाते हैं, कुछ लोग कपड़ा लगा देते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से जो जुगाड़ बनता वो लगा लेते हैं। ये रहा जो है किसान की जुगाड़। और ये सरपत जो है बच गया, यहाँ खड़ा कर दिया गया, देखा ये वाला, ये है भैया किसानी और किसान का जुगाड़, और किसान का जुगाड़ का छप्पर। और कुछ लोग तो मचान बना बना के रह रहे हैं। तो इस तरह से जो है काम चला रहा है किसान यार। एक जुगाड़ ये देखिए, फर्स्ट क्लास जो कपड़े का यहाँ बना लिया गया है, कपड़े का, ताकि इसके नीचे बैठ करके सो करके अपने खेत की सिंचाई भी की जा सके और खेत की रखवाली की जा सके, क्योंकि यहाँ नीलगाय सांड सब कुछ से इतनी परेशानी अब है देहात के क्षेत्रों में कि अपनी फसल को तो बचाना ही है, चाहे सिंचाई करनी हो, चाहे सांड से बचाना हो, चाहे भैंसा से बचाना हो, भैंसा तो अब है नहीं, तो नीलगाय से बचाना हो और चाहे सिंचाई करनी हो। तो इसके नीचे जो है एक बेंच है जो रखा गया है, और एक तख्ता है ये दीवार के लिए जो है ये कपड़ा। अभी भैया कितना रोकता होगा ठंडी, ये तो बात का बात है, लेकिन लगाया गया है। यही से अपना रख लो, ऐसे यहीं से ऐसा रख लो कि कुछ खा तो उतना है, खा रहा तो यहीं से अरे अपना भगा दो। इस तरह से जो है तमाम तरह की चीजें यहाँ बनाई गई है। और तो ये एक जो है ये जुगाड़ आपके सामने है। इस तरह से किसान जो है बना करके अपने खेत की रखवाली कर रहा, सिंचाई कर रहा है तमाम चीजों की। जैसी एक छप्पर वहां थी, एक ये, वो तो घास फूस से बनी थी, और ये जो है कपड़े से बनी। अब बगल में ये ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल का हौदा ये है। तो यही है। तो धन्यवाद।